चेयरमैन पद के लिए सीमा यादव और पत्नी गुलशन यादव ने कड़ी सुरक्षा के बीच कुंडा तहसील में सीमा यादव ने दाखिल की नामांकन। कुंडा नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी की तरफ से निवर्तमान चेयरमैन सीमा यादव, पत्नी गुलशन यादव ने कुंडा तहसील में दाखिल किया नामांकन। नामांकन में सीमा यादव के पति गुलशन यादव भी रहे मौजूद। नामांकन करने के बाद गुलशन यादव ने पत्रकारों से बात भी की। पत्रकारों से बात करते समय गुलशन यादव ने विपक्ष पार्टी पर हमला भी किया। कहा, कुंडा की जनता कुंडा में एक चेयरमैन चुने, दो चेयरमैन ना चुने। आखिर इस कहावत के पीछे की वजह क्या हो सकती है, शायद विपक्ष पार्टी समझ सकती है। जरा सुनिए आप भी गुलशन यादव ने क्या कहा। आपकी पत्नी ने नामांकन किया सीमा यादव जी ने, क्या लगता है इस बार हैट्रिक लगेगी जी? किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? विकास जी, हमने जो कार्य किए हैं 10 सालों में जी, अपने सामने आप प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के रूप में किसको देखते हैं? किसी को, सिर्फ आप अपने विकास के जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ। कुंडा की जनता के लिए कोई संदेश? कुंडा की जनता के लिए संदेश है कि फिर से आशीर्वाद दें, फिर उनका सेवा करने का मौका मिले और एक चेयरमैन के लिए। एक चेयरमैन मतलब एक तो होगा ही, एक कुछ नहीं थोड़ा प्रकाश डाल। कुंडा की जनता जिसके जो एक चेयरमैन चुने उसके पास जाए तो उससे मुलाकात हो जाए। कई चेयरमैन ना हो कि इनके पास जाओ उनके पास जाओ, भैया भी सो रहे हैं भैया भी नहीं है जी। ठीक, मैं कुंडा की जनता से यही निवेदन। ठीक।